31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय स्थित प्रेरणा श्री सभागार में शुक्रवार को एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि गोष्ठी का हिस्सा बनी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तारकेश्वरी सिंह और अध्यक्षता कर रहे CMO डॉ. श्रीकांत तिवारी ने मौजूद सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों को शपथ दिलाया कि अगर उन्हें कोई भी तंबाकू का सेवन करता मिला तो उसे अवश्य टोकेंगे। तंबाकू निषेध अभियान में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान भी CMO कार्यालय पर चलाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे CMO डॉ. श्रीकांत तिवारी ने कहा कि आयोजन में तंबाकू से जुड़ी जो भी बातें बताई जा रही हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक जागरूकता करने की जरूरत है। मुख्य अतिथि तारकेश्वरी सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के पास एक अच्छा तंत्र है जिसकी मदद से तंबाकू निषेध अभियान को सफल बनाया जा सकता है। जन सहभागिता से ही ऐसे अभियान सफल हो सकते हैं। गोष्ठी में जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी OPG राव, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर AK पांडे, डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव, MCD सेल से अजय सिंह, मानसिक रोग विभाग से डॉक्टर अमित शाही सहित स्टाफ नर्स, CHO प्राधिकरण के कर्मचारीगण और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, काफ़ी समय से आपने उनके द्वारा बहुत सी जानकारी दी है। आज के कार्यक्रम में सहभाग करने के लिए हमारे डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव जो प्रस्तुत है, मैं उनसे सबसे पहले अनुरोध करूँगा। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने के लिए। ये पूरा मई का महीना ही हम लोग विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको रोकने के लिए जितना भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं, अभी इस प्रयास में हम लोग और कार्यरत होना जरूरी है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा घातक महीने के लास्ट में देखिएगा आपकी हेल्थ डाउन हो रही है, उसकी पॉकेट मनी बढ़ रही है, जो आपके आपके फाइनेंस कंडीशन को इम्प्रूव करेगी। और ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि हमारे रिलेटिव थे, उनकी हैबिट थी 2 या 3 बीनी के बंडल भी लेते थे, बोले क्या फर्क है 5 रुपए का आता है 3 रुपए का आता है। तो उनकी मिसेस ने कहा ठीक है, आप 10 रुपए अपनी बीनी के लिए, 10 रुपए आप मुझे दे दीजिए। वो 1-2 महीने तक रहा तो पता चला घर में बहुत सारी नई चीजें आ गई, घर अच्छा हो गया, उनका स्वास्थ्य गिरता गया। तो पैसा तो वही है, यूटिलाइज की बात है कि आप कैसे यूज कर रहे हैं। और ये नहीं हो सकता कि स्ट्रेस लेवल है तो इसलिए मुझे नशा किया जाए, कि इसको ले लिया तो आपका मेंटली, अब 1 मिनट के लिए हुआ था लेकिन आप अपनी लाइफ तो खत्म कर रहे हैं, अपने साथ साथ बाकी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी बताया गया सबसे ज्यादा कैंसर वो होता है, और जो तम्बाकू में 60% जो 60 रसायन है जो तम्बाकू का है सोर्स है। और उसके बाद मैंने तम्बाकू का पौधा देखा, उसका फूल बड़ा सुंदर होता है, गुलाबी रंग का, सफेद रंग का, पत्ते बड़ी सुंदर होती है, लेकिन खूबसूरती कभी कभी जानलेवा हो जाती है। और सो जानलेवा तो हम ही बना रहे हैं ना, तम्बाकू पेड़ तो नहीं आए कि आपको तुरंत आपको हार्म करेगा, अपने लिए नुकसान है, तो हम खुद ही उसको बना रहे हैं कि उसको निकाला, उसको प्रॉपरली तम्बाकू के फॉर्म में लाया, फिर हम उसको यूज कर रहे हैं। प्रकृति ने तो सारी अच्छी चीजें दी है। मेरी बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो यहाँ पर है, आप जिससे भी मिले तम्बाकू के लिए उनको कहें कि नहीं प्रयोग ना करें, इसके इफेक्ट है, और अगर नहीं करेंगे तो उसके भी फायदे बताए जाए। ये नहीं कि नुकसान तो शायद ज्यादा इम्प्रूव हो, कि हाँ इससे ये फायदा हो सकता है कि मैं 1 रुपया यहाँ बचा भी लूंगा, मेरी हेल्थ भी थोड़ी सुधर जाएगी। आज नो टोबैको डे है, वर्ल्ड नो टोबैको डे पूरे विश्व में मनाया जाता है 31 मई को एवरी ईयर। और इसको मनाने का जो कार्य है वो सिर्फ ये है कि हम जन जागरूकता फैलाएं टोबैको के दुष्प्रभाव और टोबैको न लेने से क्या फायदे हैं, इस चीज को जनता को बताएं। ये गोष्ठी यहाँ बहुत प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने बैठे हैं वो सब जानते हैं कि इससे क्या नुकसान है और इसको नहीं लेना चाहिए, पर एक मायने में ये फायदेमंद है। जैसा कि मैडम ने कहा कि हमारी ये CHOs जिनकी स्पेशली पोस्टिंग जस्ट आफ्टर देयर ट्रेनिंग
हम सब सेंटर्स पे करेंगे जो समाज के बिल्कुल गांव के उन कम पढ़े लिखे लोगों महिलाओं पुरुषों के बीच में काम करेंगी। वो हमारे इसी एनसीडी का पार्ट है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का पार्ट है जो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर्स बन रहे हैं जिसपे आपकी तैनाती होगी। तो आपको जितनी ज्यादा जानकारी होगी, आदमी की जितनी जानकारी होती है वो पूरी की पूरी दूसरे को नहीं दे पाता, इसलिए जितनी अधिक आपकी जानकारी होगी उसका 70% आप दूसरे को देगी तो बहुत अच्छी बात होगी। जरूर इसमें बहुत ऐसी बात आई होगी जो आपका नॉर्मल कैरिकुलम चल रहा है महिला अस्पताल में उससे फर्क रहा होगा, क्योंकि ये फर्क चीज थी, इसके बारे में भी आपको बताया जाता है। परंतु यहाँ आपने हमारे वकील साहबान को सुना, डिफरेंट व्यूज आपने देखे सुने। एक व्यू ये भी आया कि सरकार बंदी कर दे सारा झंझट खत्म, ना हमें किसी को बताना पड़ेगा कि ये तंबाकू बहुत नुकसान करता है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं, रशिया जाके लाओगे नहीं या अमेरिका जाके लाओगे नहीं। बट देयर आर सम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज टू डेवलपमेंट, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, पॉलिटिकल विल होते हुए भी करना मुश्किल होता है, नहीं तो शराब भी बंद कर दो तंबाकू के प्रोडक्ट्स भी बंद कर दो। तो ये दो चीज से जो प्रति मिनट एक व्यक्ति मर रहा है, अभी आंकड़े आप देख रहे हैं, बल्कि एक से ज्यादा मर रहे हैं प्रति मिनट तंबाकू के सेवन से, वो सब की दिक्कत नहीं आएगी। मेरा ये भी मानना है कि जिस चीज को आप बंद कर दो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। आपकी जब शादी हुई घूंघट वाली बीवी आई होगी, अरे बाप रे, बड़े उत्सुक रहे होंगे, जल्दी से देखे तो कैसी है, पहले देख के शादी होती होगी। हम लोगों के जमाने में भी ऐसा ही था, पिताजी माताजी बताते हैं, हमारी तो खैर ऐसे नहीं हुई थी, परंतु तो उत्सुकता बढ़ जाती। हम तो ये कहेंगे आप अपनी विल पावर उनको बताइए, जो सिगरेट पीते हैं, जो तंबाकू पीते हैं, तंबाकू का किसी रूप में सेवन करते हो, चाहे हुक्का पीते हो, चाहे चिलम पीते हो, चाहे बीड़ी पीते हो, चाहे सिगरेट पीते हो, चाहे क्या नहीं खाते, उनको बताइए keep the cigarette in front of you, below your pillow, and then leave. अगर ऐसी will power develop होगी तभी वो छोड़ पाएंगे। तय कर लिया, जैसे आज आप सबक लेंगे, संभवतः अगर इसमें कोई खा रहा हो कि आज के बाद से नहीं खाएंगे, आज मैडम के सामने हमने शपथ लिया आज के बाद नहीं खाएंगे, विल पावर हो जाएगी, बिल्कुल छूट जाएगी। और हमारी एनसीडी सेल, हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के जो सेल है उसमें एक निकोटेक्स टॉफी निःशुल्क आती है, लाखों रुपए बजट हमें मिलता है, हम खरीदते हैं, बांटिए उसको को जो कहते हैं कि मैंने कल सिगरेट नहीं पिया, आज तो लैटरिन ही नहीं उतर, आज तो मेरे क्रैम्स हो रहे हैं पेट में, आज मेरी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, बीड़ी नहीं पिए, हुक्का नहीं पिए, चिलम नहीं पिए, उनको निकोटेक्स देना शुरू करें। आप तो कम्युनिटी में काम करो। और महिलाओं में गर्भपात और फिर बच्चा न ठहरने की शिकायत दम तंबाकू वाली महिला और बीड़ी पीने वाली महिला को 70% होता है। जो अभी डिजीजेस की लिस्ट आपने देखी, सामान्य रूप से अगर समझाऊं आपको कहीं बताना हो तो आप सिर से शुरू करिए, मेंटल डीओरिएंटेशन, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, मन ना लगना काम में, यहां से शुरू होता है। और नीचे आइए, आंख की रोशनी जाना, टोबैको टॉक्सिक एम्ब्लोपिया कहते हैं हम अपनी भाषा में, वो हो जाता है नॉन क्यूरेबल, वापिस नहीं आती रोशनी, कैटरेक्ट हो गया तो एक बार वापिस आ जाएगी, टोबैको एम्ब्लोपिया हो गई तो वापिस नहीं आते। और नीचे आइए, माउथ कैंसर, लंग कैंसर, चीक कैंसर, टीथ सारे जल्दी गिर जाएंगे, बिल्कुल मसूड़े उनके खराब हो जाएंगे, प्लाक बन जाता है सफेद सफेद, दैट इज द अर्ली स्टेज। बहुत अच्छी बात यह है कि इन सारी बीमारियों से छोड़ते ही फायदा शुरू हो जाता है। जैसे ही सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ये सब चीज बंद करता है व्यक्ति तो रिवर्ट होने लगता है, बहुत से बड़े बड़े प्लाक बन जाते हैं गलफड़े में जो प्री कैंसर स्टेज होती है, वो एकदम नॉर्मल आ जाता है। मसाला, पान मसाला खाते थे उसमें जो टोबैको होती थी, लोगों के मुंह ऐसे बोलते थे, जो नुकसान आपकी बॉडी में हुआ है
वो आप फिर से सामान्य भी होंगे। हार्ट अटैक की कंडीशंस बढ़ गई है, 35 साल वाले को हो रहा है, 30 साल वाले को हो रहा है। हम जो पढ़ते थे MBBS में थे आज से 35 years ago, तब ये होता था कि 40 एंड अबव की डिजीज है, 50 एंड अबव की डिजीज है, कुछ नहीं, बहुत यंग लोगों को हो रहा है। वो स्मोकिंग उसको 10 टाइम्स बढ़ा देती है, बार बार एबॉर्ट कर जाते, कभी कभी गर्भधारण की भी दिक्कत हो जाती, मांसपेशियों में क्रैम्प्स, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। एक और डिजीज होती है जिसमें ऐसे ऐसे हाथ करने लगता है, तो बीमारियों के लिए बहुत बड़ी है। और ये आप खाली सुन के ये सोच रहे ऐसे डॉक्टर गिना रहे हैं, 100% प्रूव्ड है। मृतक तंबाकू खाते खाते 80 साल पे चले गए, कुछ नहीं हुआ उनको, 1% में मान लेते हैं। लेकिन स्टडीज प्रूव करती हैं, विदेशों की स्टडीज प्रूव करती हैं कि खाने वाले और ना खाने वाले में 80% को ऐसे हैं, अगर सबका सर्वे करें माउथ कैंसर के 100 केस हम देखें तो उसमें 80 में हिस्ट्री ऑफ टोबैको चेविंग या स्मोकिंग या टोबैको इन एनी फॉर्म की हिस्ट्री मिलती है। तो दैट इज गुड। बस के अवसर पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम खुद भी नशा नहीं करेंगे, और यदि कर रहे हैं तो आज से उसका परित्याग करेंगे, तथा अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर हम लोगों ने विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मैडम की अध्यक्षता में एक गोष्ठी करी, जिसमें सहभागिता रहा हमारे CHOs का, डॉक्टर्स का, स्टाफ का, जिसमें कि इस बात पर चर्चा की गई कि हम समाज में इस बात का प्रचार प्रसार खूब करें और कैसे करें कि तंबाकू एक बहुत ही हानिकारक तत्व है और ये किसी भी रूप में लिया जाए। जैसा कि सभी जानते हैं कि इसमें 4000 से भी ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें 80 तो बहुत ही दुष्प्रभाव करते हैं, और ये शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है, चाहे वो मानसिक स्थिति हो, चाहे वो आँख की रोशनी के बारे में हो, चाहे वो कैंसर, माउथ कैंसर, लंग कैंसर, हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, महिलाओं में गर्भपात की समस्या होती है और नपुंसकता पुरुषों में भी आती है, मांसपेशियों में शिकायत होती है। इस तरह से हमारे शरीर का हर भाग इससे प्रभावित होता है। उसकी जनजागरूकता के लिए ये गोष्ठी का आयोजन हुआ था। इसके पहले हम लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था कि आज जो सिगरेट पी भी रहे हैं या जो तंबाकू का सेवन किसी रूप में, च्यूइंग के रूप में, सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में कर भी रहे हैं, तो वो हस्ताक्षर करें और ये शपथ लें कि हम आज से इसका परित्याग करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि तंबाकू या तंबाकू से संबंधित कोई भी उत्पाद का सेवन ना करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हानिकारक है, किसी रूप में भी फायदेमंद नहीं है। इससे कोई मूड एलिवेशन नहीं होता, इससे कोई थकान नहीं जाती, ये हमारा भ्रम है। इसी बात की चर्चा यहाँ पे हुई है और हमारी जो NCD क्लिनिक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्लिनिक, और उसकी शेल है, उसके माध्यम से हम पूरे महीने स्कूलों में और जेल में, होमगार्ड के कैंप्स में, PAC में, पुलिस में, इन खास खास जगहों पे हम इस तरह की गोष्ठी करेंगे, जिससे कि लोगों तक जागरूकता फैले और इसमें गति आए और उनके माध्यम से और लोगों को ये जागरूकता जाए, क्योंकि अगर इसमें जागरूक होगा, इसके दुष्परिणाम लोगों के दिलो दिमाग में छा जाएंगे तो अवश्य इसे छोड़ देंगे।